हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। और मैं हूँ रेखा। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में अक्सर बात करते हैं ब्यूटी की, स्किन केयर की, हेयर केयर की एंड हेल्थ केयर की। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारी हेल्थ केयर को लेकर है। सीधी सी बात है, अगर हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो ही हमारी ब्यूटी अच्छी होगी। तो हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी ब्यूटी अच्छी हो, इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हम इंटरनली जब ही खूबसूरत हो सकते हैं जब हमारी डाइट बहुत अच्छी होगी, हमारा खाना पीना अच्छा होगा, हमारा जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छा होगा। तो लाइफस्टाइल को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है ब्यूटीफुल स्किन पाने के लिए। आपका जो ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल है वो आपकी हेल्थ से ही आता है, और इस हेल्थ को बनाने के लिए आपकी डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपनी ब्यूटी को कैसे बरकरार रखना है, आपको अपनी स्किन को यूथफुल कैसे बनाए रखना है। खासकर उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक को जानने की जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है और जिन लोगों के स्किन में ये सारी प्रॉब्लम देखने को अब मिलने लग गई है, जैसे कि शैगिंग का प्रॉब्लम आना, स्किन में झुर्रियाँ आना, झाइयाँ आना और स्किन एकदम लटक सी जाती, जो कॉलेजन है वो कम हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें एक ऐसी ही रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके कॉलेजन फैक्टर को लेकर है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉलेजन होता क्या है। कॉलेजन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में बनता है, और कॉलेजन जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे जो ज्वाइंट के लिए अच्छा होता है, हमारे जो लिगामेंट है इनको जोड़कर रखता है और काफ़ी अच्छा होता है ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए। और ये हमें लेना बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में नेचुरली, क्योंकि जब हमारा जो कॉलेजन है वो जो ख़त्म होने लग जाता है जब हमारी स्किन में से, तो रिंकल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, फाइन लाइंस आने लग जाती है, शैगिंग आने लग जाती है, हमारी स्किन लटक सी जाती है जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो हमें इसको पूरा कैसे करना चाहिए, इसको पूरा करने के लिए हमें कॉलेजन अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। 2018 में अभी एक रिसर्च में डेली बेसिस पर लोगों को कॉलेजन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो दिए गए, और फिर उसका रिजल्ट विद इन वन मंथ में देखा गया कि ये सप्लीमेंट्स लेने से लोगों में कितने सारे बदलाव देखने को मिले। एक तो उनके जो जॉइंट पेन वगैरह थे वो ख़त्म हो गए, उनका जो बोन का जो स्ट्रेंथ था वो काफ़ी अच्छा हो गया, लिगामेंट का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, जो स्किन की जो बाइंडिंग थी वो बहुत अच्छी हो गई, यानी कि स्किन टाइटनिंग का जो होती है वो होने लग गई, झुर्रियाँ ख़त्म हो गई, रिंकल्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, ब्लेमिशेस ख़त्म हो गए। बहुत सारे बेनिफिट्स इस कॉलेजन के जो सप्लीमेंट्स लेने से मिले, वही सप्लीमेंट्स आज हम घर में बनाएंगे। मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ कॉलेजन पाउडर बनाने की जो कि आप घर में बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और इसका बेनिफिट आप घर बैठे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट से आपको महंगा वो कॉलेजन पाउडर सप्लीमेंट के तौर पर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जो थोड़ा सा केमिकली भी होता है। क्यों ना हम बिल्कुल प्योर और एकदम घर में बनाएं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो और हमारे स्किन में जो शैगिंग का, रिंकल्स का, फाइन लाइंस का, ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो चलिए मेरे साथ में इस वीडियो पे एंड तक आप बने रहिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस ब्यूटीफुल स्किन को यूथफुल कैसे बनाना है ये भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और पसंद आता है तो इसको आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ में आगे देखिए कि इस कॉलेजन पाउडर की रेसिपी को कैसे बनाना है ये, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है आपको आंवला पाउडर 25 ग्राम, सेकंड आपको लेना है रोज पेटल 25 ग्राम, एंड थर्ड आपको लेना है ऑरेंज पील पाउडर, ये भी 25 ग्राम लेना है, एंड फोर्थ आपको लेना है करी लीव्स, ये भी आपको 25 ग्राम ही लेना है, एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है ऑलमंड, ये भी आपको 25 ग्राम लेना है, एंड पीनट आपको लेना है साथ में वो भी 25 ग्राम, साथ में आपको लेना है चिया सीड्स, ये भी आपको 25 ग्राम लेना है, एंड लास्ट में आपको इसके साथ ऐड करना है 25 ग्राम ओट्स। और इन सबको एक मिक्सी के जार में डालकर काफ़ी अच्छा फाइन पाउडर आपको रेडी कर लेना है। तो है ना इस कॉलेजन पाउडर को बनाना कितना आसान, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, एकदम नेचुरल तरीके से आप इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब इसे मैं बताती हूँ खाने का तरीका क्या होगा। सुबह आप एकदम खाली पेट, जिसे हम निहार पेट बोलते हैं, खाली पेट में आपको एक चम्मच भर के ये कॉलेजन पाउडर हनी के साथ में खाना है।
जिसको हनी के साथ नहीं पसंद आता है वो ऐसे ही अगर खा सकता है तो खा सकता खा लीजिए। एंड इसके साथ में आपको गुनगुना पानी आधा ग्लास जरूर लेना है, 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आप नाइट में लेना चाहते हैं तो सोने के आधा घंटे पहले इसको ले लीजिए। विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपको रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट आपको अपने फेस पर खुद ही देखने को मिलेगा। अभी ये तो थी खाने वाली बात। दूसरा तरीका जो यूथफुल स्किन पाने का है, जो मैं आपको बताने वाली थी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, वो मैं बताती हूँ। दूसरा तरीका है लगाने वाला। हमें अपने फेस पर अब लगाना क्या है, इस कोलेजन पाउडर के साथ साथ में हमें और क्या करते जाना है जिससे हमारी ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन हो जाए। साथ में आपको अप्लाई करना है विटामिन सी का सीरम, जो मार्केट में मैनी मोर ब्रांड में अवेलेबल है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं विटामिन सी सीरम। और विटामिन सी जो इतना खाने में अच्छा होता है ना इंटरनली, वो लगाने में भी उतना ही इफेक्टिव होता है। तो विटामिन सी का सीरम जरूर अप्लाई करें, इसके साथ साथ में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो थम्स अप का बटन दबा के लाइक जरूर कीजिए। और भी ज़्यादा पसंद आया हो सकता है किसी और को भी ज़रूरत हो इसकी, तो इसको शेयर भी आगे ज़रूर कर दिया जाइए। और जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर से कहती हूँ, वो रेड वाला सब्सक्राइबर का बटन प्रेस कर दीजिए, आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सब्सक्रिप्शन जो है वो एकदम फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगना है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको न्यू वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो लेकर आप लोगों के साथ में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।